हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो गूगल पे ऐप होता है ये हमारा जो है ठीक तरीके से वर्क नहीं करता है, ठीक है, यानी कि काम नहीं करता है हमारा गूगल पे ऐप। तो दोस्तों, अगर आपका भी गूगल पे ऐप अगर ठीक से काम नहीं करता है तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका गूगल पे ऐप अगर काम नहीं करता है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने गूगल पे ऐप का डेटा आपको क्लियर करना है। कैसे करना है, देखिए, आपको गूगल पे ऐप को उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो एक पेज ओपन होगा छोटा सा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है। ये जो ऐप इन्फो लिखा हुआ है, ये ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐप इन्फो के सामने जो सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ है इसे आपको टैप करना है। इन दोनों में से एक टैप करेंगे तो आपका गूगल पे ऐप का ये वाला पेज ओपन होगा ऐप इन्फो का, ठीक है। इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको इसे क्लियर कैच पे पहले टैप करना है तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन दिखेगा, इसे आपको टैप करना है तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने गूगल पे ऐप का डेटा जो है वो क्लियर कर देना है, ठीक है। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको गूगल पे ऐप का डेटा क्लियर करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको आपने जिस गूगल पे ऐप को जिस जीमेल आईडी से लॉग इन कर रखा था उसी जीमेल आईडी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसी जीमेल आईडी से दोबारा से लॉग इन करना है डेटा क्लियर करने के बाद, ठीक है। देखिए दोस्तों, डेटा क्लियर करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपके गूगल पे ऐप को है ना प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना है, अगर अपडेट नहीं है तो, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो प्ले स्टोर में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है गूगल पे। गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको यहां पर जो है ना गूगल पे इस ऐप के नीचे अगर अपडेट इस तरीके से अपडेट अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे आपको अपडेट कर लेना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा जो गूगल पे ऐप होता है वो अपडेट ना होने की वजह से हमारा जो है गूगल पे ऐप ठीक से काम नहीं करता, वर्क नहीं करता है ठीक से, ठीक है। तो अपने गूगल पे ऐप को अपडेट जरूर कर लीजिएगा अगर ये अपडेट में अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर जो है ना आपको अगला काम ये करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन को है ना एक बार रीस्टार्ट आखिर में ज़रूर करना है, ठीक है। सबसे आखिर में आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर करना है, ठीक है। जो दो प्रोसेस आपको पहले करने हैं उसके बाद आपको जो है लास्ट में अपने फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर करना है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का साइड वाला जो पावर बटन है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें देखिए रीस्टार्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये रीस्टार्ट आपको लास्ट में आपको फोन को जरूर करना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन का सिस्टम भी जो है अपडेट होना चाहिए। आपके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है ना सिस्टम वो भी आपका अपडेटेड होना चाहिए। देखिए, आपको कैसे चेक करना है कि अपडेटेड है या नहीं है, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट है इसे आपको चालू रखना है, ठीक है। इंटरनेट चालू करने के बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको ये सर्च आइकन मिलता है, ठीक है। सर्च आइकन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ना सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सिस्टम अपडेट के पेज में लेकर आ जाएगा। आपको इस पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मेरा सिस्टम जो है मोबाइल फोन का पहले से ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस आपको एक बार कर लेने हैं, इससे आपका जो गूगल पे ऐप जो काम नहीं कर रहा है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ध्यान रखिए कि आप अपने गूगल पे ऐप का जब डेटा क्लियर करेंगे उसके बाद आप जो अपने गूगल पे ऐप को फिर से ओपन करेंगे तो आपको जो है आपको कुछ यहां पर प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी जीमेल आईडी फिर से दोबारा से वहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आपको अपने बैंक अकाउंट भी जो है दोबारा से ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ना गूगल पे ऐप जो है डेटा क्लियर करने के बाद आपको ये फिर से प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ये दो चार स्टेप है, इसके बाद आपका गूगल पे ऐप ओपन हो जाएगा और आपका जो गूगल पे ऐप जो ठीक से काम पहले नहीं कर रहा था वो आपका ठीक से काम करने लग जाएगा, ठीक है।